नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सीखो को हिंदी में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ओप्पो का मोबाइल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मॉडल नंबर है ओप्पो F3। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप जो इसकी बैटरी को कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे अगर एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों कई बार को तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कंडीशन ऐसे आ जाती है कि हमारी जो बैटरी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और बैकअप जो है सही से नहीं दे पाती। दोस्तों किस तरीके से जो है सिंपली मेथड को जो है यूज़ कर अपने जो है बैक पैनल को रिमूव कर और अपनी बैटरी रिमूव करके अगर चाहे तो नहीं लगाना चाहे तो नई बैटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ और यही मेथड यूज़ करके जो आप दोस्तों बहुत से ओप्पो के मोबाइलों को जो है बैक पैनल ओपन करके अपनी बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले आपको जो है इसकी जो बैक पैनल है इसको ओपन करना पड़ेगा। बैक पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो सिम ट्रे है सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो किसी भी सिम इजेक्टर की मदद से जो है आप अपने सिम ट्रे को जो है रिमूव कर लीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। सिम ट्रे रिमूव करने का दोस्तों आपको अपने जो है नाखून की मदद से आपको यहाँ पे सिम ट्रे के साइड में यहाँ पे एक हल्का सा गैप दिखेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हल्के से जो आपको अपना नाखून जो है यहाँ पे सेट करना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड करना है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो है बैक पैनल ओपन होना शुरू हो गया है। देखिए नीचे से ऐसे इस तरीके से आना है आपको, नीचे की तरफ आपको जो है इस तरीके से स्लाइड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से यूज़ करना है, अपने नाखून को ऊपर घुमा देना है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स कितनी इजी तरीके से हमने अपने जो बैक पैनल को रिमूव कर लिया। अब आपको जो अपनी बैटरी एक्सचेंज करनी है, अगर बैटरी एक्सचेंज करनी है, आपकी बैटरी फूल गई है, ख़राब हो गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ स्क्रू दिख रहे होंगे, आपको इनको जो है ओपन कर लेना है। ये यहाँ पर आपको दो स्क्रू दिखेंगे, इन दोनों स्क्रू को आपको जो है निकाल लेना है। देखिए निकालने के बाद आपको जो स्टील की जो पत्ती दिख रही है इसको रिमूव करके साइड में रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले जो हमारे जो कनेक्टर है ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे जो देखेंगे आप, तो इसको आपको रिमूव करना है। यह देखिए हमारा फ़ोन जो है वैसे ये फोल्डर चेंज करने के लिए आया है, तो मैं आपको इसमें बैटरी लगाना भी सिखा दे रहा हूँ, इसी लगे कि आपको बैटरी किस तरीके से लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए अब, ये देखिए अब हम बैटरी या कनेक्टर को रिमूव करेंगे तो हमारी जो डिस्प्ले बंद, ये देखिए हमारा मोबाइल जो ऑफ हो जाएगा। ये देखिए हमने बैटरी कनेक्टर को यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से बैटरी को रिमूव कर सकते हैं ईजिली तरीके से। दोस्तों ये जो स्टिकर देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का, इसको आपको जो है पकड़कर ऊपर की तरफ खींच देना है। ये देखिए इसको पहले टेपिंग को छुड़ा लेंगे इस तरीके से दोस्तों, बिना हीट करे और इजीली तरीके से जो आपकी बैटरी रिमूव हो जाएगी, बहुत ही इजी तरीके से। इस तरीके से पकड़कर आपको इस तरीके से बैटरी को ऊपर करना है। ये देखिए देखा फ्रेंड्स कितनी इजी तरीके से हमारी बैटरी रिमूव हो गई है। अब आपको इस तरीके से इसको निकाल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको जो है अपनी बैटरी को ये जो इसकी टेपिंग है इसको दोबारा से इसको, अब अगर आपकी बैटरी फूल गई है, ख़राब हो गई है, तो दोस्तों इस बैटरी को हटा देना। फिलहाल तो मेरी बैटरी ठीक है तो मैं इसको वापस लगा दूंगा, मैं तो आपको बता रहा था ताकि आप जो अच्छे से सीख जाएं इजीली तरीके से कैसे आप अपनी बैटरी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरी बैटरी तो फिलहाल ठीक है तो मैं इसी को लगा दूंगा। अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई तो इसको साइड में फेंक के आपको दूसरी बैटरी उठानी है और इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देनी, ठीक है फ्रेंड्स। प्रॉपर तरीके से लगाइएगा दोस्तों, देखिए इस तरह सेट करके आपको ये वापस कनेक्टर जो है सेट कर लेना है। और दोस्तों मेरे तो फिलहाल इसकी LCD टूटी हुई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिएगा, यहाँ पे हल्के से इसको सेटिंग बैठाइएगा कनेक्टर को, फिर उसके बाद प्रेस कीजिएगा इस तरीके से। जब आपका ये लॉक होगा तो हल्का सा जो है इसमें साउंड आएगा लॉकिंग का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन जो है, हमारा जो डिवाइस है यहाँ पे ऑन हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है आप अपनी बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हैं। और अब आपको जो क्या करना है, ये आपने जो स्टील की पत्ती निकाली थी इसको यहाँ पे वापस लगा के आपके स्क्रूज लगाकर आपको अपने बैक पैनल को सेट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।